एसपी संचालक को गोली मार, 1,30,000 की लूट, मामला आंदा थाना क्षेत्र का, पुलिस कर रही मामले की जांच। सीवान में दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली और 1,30,000 रुपए भी लूट कर ले गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आंदा थाना के निवासी हरेंद्र यादव पिता लालबाबू यादव, जो इंडियन बैंक का सीएसपी चलाते हैं, वो अपने मोटरसाइकिल से हुसैनगंज इंडियन बैंक के ब्रांच से पैसा निकालकर मोटरसाइकिल से आंदा अपने सीएसपी सेंटर पर जा रहे थे। अभी गरार गो एव बिकपुर पुल के समीप पहुंचे ही थे कि अपराधियों ने ओवरटेक कर पैसे से भरा बैग लूटने लगे, जिसका विरोध करने पर सीएसपी संचालक हरेंद्र यादव को गोली मार दी। गोली लगने से हरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और अपराधी पैसे से भरा बैग, जिसमें 1,30,000 रुपए थे, वह लूटकर अपराधी चलते बने। आनंद फानंद घायल को सीवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार चल रहा है। तीन की संख्या थे अपराधी। आपको बता दें कि दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम देने आए अपराधियों की संख्या 3 बताई जा रही है। पीड़ित हरेंद्र यादव ने की बाइक को ओवरटेक करके लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस, आपको बता दें कि इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र के गड़ार के और भीकपुर गांव के बीच में अपराधियों ने हरेंद्र यादव सीएसपी संचालक को गोली मारने का काम किया और गोली मार के 1,30,000 रुपया लूटने का काम किया गया। निश्चित तौर पर ही बहुत दर्दनाक घटना है। अभी परसों भी मुख्यमंत्री जी के आने के पहले महाराजगंज में इस तरह की बर्दाश्त हुई है एक पत्रकार के संगे, और आज जाने के बाद से फिर आंदर थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना घट गई। निश्चित तौर पर जैसे जैसे मौसम में ठंडी आ रही है, वैसे वैसे अपराधियों का तांडव बढ़ते जा रहा है। बाकी मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि सभी थाना में इस तरह का निर्देश देना चाहिए कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है, जो भी अपराधी चरित्र के व्यक्ति है, उस पर नज़र रखने की जरूरत है। नहीं तो दिन पर दिन अपराधी घटना रातों दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसे प्रशासन के और जनता के बीच में साख गिरती जा रही है।